हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 22% गिरकर 3542 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए जो कोविड का सेकंड वेव था उसकी वजह से यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की उससे यहाँ पे नीचे रिजल्ट कंपनी के आए हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 320 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अब ये प्रॉफिट का नंबर इतना कम क्यों आया है, क्योंकि देखिए जो कंपनी के जो नॉर्मल एक्सपेंसेज है वो उतने रहने वाले, क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू है अराउंड 1000 करोड़ रुपए गिरा है, तो वहां पे कंपनी के एक्सपेंसेज आप ज्यादा कम नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये नंबर हमें 31 करोड़ रुपीज दिख रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 40% से हमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ईयरली बेसिस पे ये नंबर काफी अच्छा है। और ये देखिए 31 करोड़ का अभी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 13 करोड़ का लॉस हुआ था। यानी कि जो पिछले साल लॉकडाउन से बिजनेस को जो इम्पैक्ट पड़ा था, इस बार देखा जाए तो ऑल जो कंपनी को लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो एज अ शेयर होल्डर मुझे ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट आपको अच्छे लगने चाहिए। अब ये देखिए 14,807 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। डिविडेंड यील्ड की भी अगर हम बात करें तो 1.15% का डिविडेंड यील्ड भी है, तो ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इश्यूज हमें एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर नजर नहीं आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो एक साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो गया था, बाकी हर साल यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो हर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एक साल यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ था, बाकी हर साल अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। अब ये देखिए 178 पे यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 2% ये स्टॉक अभी ऊपर है। देखिए ये स्टॉक और अमारा राजा बैटरीज दोनों को अगर आप देखोगे दोनों अपने ऑल टाइम हाई से मोस्टली 30-40% गिर चुके हैं, क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि जो बैटरीज आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं तो वहाँ पे जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगी वो अपना खुद का एक बैटरी का सोर्स बनाएगी, तो इसलिए थोड़ा इनको नेगेटिव वे में लिया जा रहा है। देखिए अभी प्रेजेंटली हमें कैसे चीज़ें हो रही हैं, फ्यूचर भी अगर हम देखें तो फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नॉर्मली जो पेट्रोल व्हीकल्स चलते हैं जिसमें भी बैटरी की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे एक्साइड और अमारा राजा बैटरी का बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा वहाँ पे कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ये कंपनी के बिजनेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरे ख्याल से कोई भी इश्यूज नहीं है, और अभी तो बहुत अच्छा खासा करेक्शन हमने स्टॉक्स में देख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ और ज्यादा डीप करेक्शन यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म व्यू की, देखिए शॉर्ट टर्म व्यू मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पे अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी बहुत टाइम से यहाँ पे देखा जाए तो बहुत टाइम से यहाँ पे करेक्शन मोड पे ही है। अभी जो रिजल्ट आए हैं अगर मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट देखता है तो 200 रुपीज शॉर्ट टर्म में जाता हुआ ये स्टॉक आपको नजर आ सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एक्साइड इंडस्ट्रीज के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।